Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss indeterminate form, which is a very important topic of calculus. So कुछ ऐसे functions होते हैं जो indeterminate होते हैं, उनकी value अगर हम limit को put करें तो ऐसे function को कैसे solve करेंगे वो हम देखेंगे आज. जैसे कुछ function इस तरह के हैं जिनका value आता है 0/0 या infinite upon infinite. जैसे मान लीजिए कि limit है x टेन टू ज़ीरो log x और cot x. तो log ज़ीरो की वैल्यू होती है माइनस इन्फाइनाइट, तो मान लीजिए इन्फाइनाइट ही है, और एक तरह से cot ज़ीरो की वैल्यू भी होती है इन्फाइनाइट. तो अगर इस तरह का कुछ फंक्शन मिलता है तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, क्योंकि इसकी कोई भी मीनिंग नहीं होती, ये एक तरीके से मीनिंगलेस है. मीनिंगलेस चाहे इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट आए या ज़ीरो बाई ज़ीरो आए या इसी तरह के कुछ और टर्म भी हैं, ज़ीरो इंटू इन्फाइनाइट इस तरह से, या फिर इन्फाइनाइट का पावर ज़ीरो या ज़ीरो पावर इन्फाइनाइट या वन टू द पावर इन्फाइनाइट. तो ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो इनडिटर्मिनेंट कहलाते हैं क्योंकि इनका कुछ मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस आंसर है. तो इसी पर एल हॉस्पिटल ने रूल दिया है ऐसे फंक्शंस के लिए. एल हॉस्पिटल का रूल है जो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और उससे हम लिमिट को फाइंड करेंगे. तो चलिए देखते हैं एल हॉस्पिटल का रूल क्या है. तो एल हॉस्पिटल ने रूल दिया था कि अगर कोई दो फंक्शन हो फाई एक्स और साई एक्स, फाई एक्स और साई एक्स या कुछ भी हम ले सकते हैं, कोई भी दो फंक्शन अगर है कुछ इस तरीके से लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो फाई ऑफ एक्स अपॉन साई ऑफ एक्स. अब ये दोनों फॉर्म में हो, चाहे वो ज़ीरो बाई ज़ीरो के फॉर्म में हो चाहे इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट के फॉर्म में हो. एल हॉस्पिटल रूल बेसिकली इन्हीं दोनों फॉर्म पे लगता है, बाकी जो अदर फॉर्म्स हैं उनको पहले हम कन्वर्ट करते हैं इस दोनों फॉर्म में, एंड देन एल हॉस्पिटल ये रूल यूज़ होता है. तो अगर इस तरह से फंक्शन हमें दिया हो उसका लिमिट हम लगाएं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो फाई डैश एक्स अपॉन साई डैश एक्स, या इन जनरल बोले तो लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो फाई ऑफ एन एक्स, मतलब nth डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव या n डेरिवेटिव. जब तक हमें वो फॉर्म नहीं मिलेगा, मतलब इंडिटर्मिनेंट के अलावा कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए. अगर कोई भी लिमिट हम सॉल्व करें अगर उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से है तो कोई मीनिंग ही नहीं है इसका, मीनिंगलेस. तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग निकालेंगे इसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही डेरिवेटिव निकालेंगे, और जितनी बार भी हमें ये इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट आना बंद नहीं होगा तब तक हम इसको निकालते रहेंगे. तो ये हो जाएगा साई एन और एक्स ऐसा, ठीक है. तो ये है रूल एल हॉस्पिटल का, nth डेरिवेटिव चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, जितनी डेरिवेटिव के बाद हमको लिमिट का एक मीनिंग वाला वैल्यू मिलेगा तब तक हम इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं हॉस्पिटल के रूल्स. तो इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहले 0/0 से ही तो कुल मिला के हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डेरिवेटिव कर सकते हैं, उसके बाद हम लिमिट चेक करेंगे. तो सबसे पहला काम होगा फॉर्म चेक करना. तो मान लीजिए क्वेश्चन है कुछ इस फॉर्म में, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस टू लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स.
तो ये है क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ए पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस टू लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। तो सबसे पहले इसका फॉर्म चेक करेंगे कि ये किस फॉर्म में है, देन एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो फॉर्म चेक करने के लिए एक्स की वैल्यू रखेंगे हर एक्स के फंक्शन में, तो ई पावर एक्स यानी ई पावर ज़ीरो वन माइनस ई पावर माइनस ज़ीरो भी वन, सो वन माइनस वन एंड माइनस टू, लॉग वन की वैल्यू होती है ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे तो ये लॉग वन हो जाएगा। मैं रख लेते हैं ई का पावर ज़ीरो माइनस ई का पावर माइनस ज़ीरो माइनस टू लॉग वन प्लस ज़ीरो, तो लॉग वन ही होगा, और नीचे क्या है ज़ीरो इंटू ज़ीरो। सो क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये वन माइनस वन ज़ीरो, ये पूरा ज़ीरो, सो ज़ीरो बाई ज़ीरो। तो ये कौन सा फॉर्म है, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो फॉर्म, ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म। तो यहाँ एल हॉस्पिटल हम रूल लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली अगर हम एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं इस तरह के फंक्शन में तो हमें मीनिंगलेस वैल्यू मिलती है। तो ऐसे ही फंक्शंस के लिए एल हॉस्पिटल रूल आया है, और इस पूरे ऊपर वाले वैल्यू को हम समझ सकते हैं किस तरह का फाई एक्स जैसा, और जो नीचे वाली वैल्यू है वो किस तरह का है, साई एक्स के जैसा। तो अब एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, होगा लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस एक्स करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एंड देन माइनस टू लॉग वन प्लस एक्स वन अपॉन एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स, और देन फिर इसका करेंगे तो वही आएगा अपॉन में एक्स फर्स्ट सेकेंड यहाँ लगाएंगे डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर से इसका फॉर्म चेक करेंगे, जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ई पावर ज़ीरो प्लस ई पावर ज़ीरो माइनस टू वन प्लस ज़ीरो, सो वन प्लस वन माइनस टू, फिर से ज़ीरो आ रहा है, सो ज़ीरो बाई ज़ीरो। तो हर डेरिवेटिव के बाद चेक करेंगे, अगर ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म आ रहा है तो फिर से उसका डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो इसका डेरिवेटिव ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस टू वन अपॉन वन प्लस एक्स का क्या होगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन में फिर से कर लेंगे एक्स, यहाँ फर्स्ट सेकेंड होगा तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसका भी करेंगे तो कॉस एक्स ही होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स। अब फिर से चेक करते हैं, अगर एक्स के वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो वन माइनस वन माइनस टू तो ई पावर ज़ीरो वन माइनस ई पावर ज़ीरो माइनस माइनस टू प्लस टू, तो हमें कुछ वैल्यू यहाँ से मिलती दिख रही है तो हम रख लेंगे, ये हो गया वन माइनस वन माइनस टू, और अपॉन में क्या है माइनस, सो ये हो जाएगा प्लस, अपॉन में ये वैल्यू ज़ीरो और ये हो जाएगा टू, दिस इज़ टू, तो इसकी वैल्यू आएगी टू बाई टू यानी वन। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू दोनों ज़ीरो हो जाएगी, कॉस ज़ीरो और कॉस ज़ीरो वन वन टू, ये रहा इसका आंसर। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो साइन एक्स माइनस एक्स प्लस वन बाई सिक्स एक्स क्यू अपॉन एक्स पावर फाइव एक्स पावर फाइव। तो सबसे पहले इसका भी फॉर्म चेक करेंगे और उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो साइन ज़ीरो ज़ीरो माइनस ज़ीरो वो सारा ज़ीरो ही है, तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म है ये भी, तो इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स का हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन सिक्स, और एक्स क्यू का डेरिवेटिव यहाँ लिख लेंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल,
अपॉन में 5x टू द पावर 4। फिर से वैल्यू रखते हैं, क्या मिलेगा, कॉस 0 1, 1 माइनस 1, फिर यहाँ 0 रखेंगे, फिर से 0/0, क्योंकि यहाँ तो है ये 0। फिर से करेंगे माइनस साइन एक्स, ये तो हाफ हो जाएगा, फिर 2x अपॉन 20x³। फिर वैल्यू रखते हैं, फिर से 0/0 आ रहा है, क्योंकि साइन 0 और ये भी 0, तो फिर से 0/0 फॉर्म, लिमिट एक्स टेंड टू 0। इसका फिर से करेंगे तो साइन का प्लस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा 60x² फिर से कॉस 0, कॉस 0 1, कॉस एक्स, साइन का माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा, तो यहाँ माइनस ही रहेगा, सो माइनस 1 प्लस 1, फिर से 0/0, 0/0 फॉर्म। एक बार फिर लिमिट एक्स टेंड टू 0, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस माइनस साइन एक्स, प्लस हो जाएगा, इधर तो 0 ही हो जाएगा, ये 120। अब अगर वैल्यू रखेंगे तो अभी भी 0/0। एक बार और करेंगे इसको तो फिर से वही आ रहा है 0/0 फॉर्म। नेक्स्ट टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस और नीचे हो जाएगा 120। सो लिमिट एक्स टेन टू 0, कॉस एक्स अपॉन 120। तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो अब इसका आंसर आएगा 1/20। सो दिस इज़ द आंसर, ये है इसका आंसर। तो देख सकते हैं, अगर डायरेक्ट वैल्यू रखते तो इसकी वैल्यू आ रही थी 0/0, जो एक मीनिंगलेस वैल्यू थी, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल की वजह से इसका एक मीनिंगफुल आंसर मिला 1/120। तो ऐसे फंक्शंस के लिए एल हॉस्पिटल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। में एक्सपेंशन भी हम कर लेते हैं, जैसे कभी कभी साइन एक्स का एक्सपेंशन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो हम इस क्वेश्चन में, यहाँ ज़रूरत नहीं है वैसे, नहीं तो हम एक्सपेंशन लगा के भी इसको कर सकते थे, चाहे तो कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को देखते हैं दूसरे मेथड से, एक्सपेंशन मेथड से, हॉस्पिटल रूल को नहीं लगाते हैं, एक्सपेंशन मेथड से देखते हैं क्या होता है। अगर एक्सपेंशन मेथड हम यूज़ करेंगे तो साइन एक्स का हमें एक्सपेंशन पता होना चाहिए। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स पावर 3/3 प्लस x^5/5 और माइनस डॉट डॉट डॉट। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन हो गया ये, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स माइनस x³/3 प्लस x^5/5। तो ये हो गया पूरा साइन एक्स एक्सपेंशन, देन माइनस एक्स एंड देन 1/6 x³। तो सेम क्वेश्चन को हम एक्सपेंशन मेथड से कर रहे हैं, लाप्लास को नहीं लगा रहे, एल हॉस्पिटल नहीं लगा रहे। तो ये हो गया 5 x^5 एज इट इज़। अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये टर्म और ये दो टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, बचेगा कौन सा टर्म, केवल ये वाला, तो x^5/5 और अपॉन में हो गया x^5, तो ये कैंसिल हो रहा है, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0, बचा क्या 1/5। तो x की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो लिमिट कहीं रखना नहीं है, केवल इसका आंसर हो जाएगा 1/5। और इसको सॉल्व करेंगे 5, 4, 3, 2, 1 और ये वही आंसर आ रहा है 1/120। तो एक्सपेंशन मेथड भी यूज़ होगा कहीं कहीं, तो वो हम अपने हिसाब से प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि हम कहाँ पे कौन सा लगाएंगे। तो दोनों मेथड लगा सकते हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो एक्सपेंशन, लेकिन उसके लिए एक्सपेंशन याद होना चाहिए, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स, ई पावर एक्स, लॉग 1 माइनस एक्स,
इन सभी की एक्सपेंशन याद हो तभी तो एक्सपेंशन लगाएंगे, तो उस तरह भी कर सकते हैं। एक्सपेंशन पे एक क्वेश्चन और हम दिखा दे रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो, ये भी हम एक्सपेंशन मेथड से ही करेंगे, एल हॉस्पिटल से नहीं करेंगे। तो दोनों मेथड हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो एक्स कॉस एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये है। तो सबसे पहले तो फॉर्म चेक करेंगे, अगर फॉर्म में अगर डायरेक्ट वैल्यू आ रही है तब तो ये यहाँ का क्वेश्चन ही नहीं है। यहाँ का क्वेश्चन है तो डिटरमिनेंट को रखने पे हमेशा 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या कुछ इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आएगा। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट माइनस ज़ीरो नहीं होगा, इनफाइनाइट अपॉन ज़ीरो, इनफाइनाइट पावर ज़ीरो, इनफाइनाइट का पावर ज़ीरो हो सकता है, जितने भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है वो हो सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे एज इट इज़, उसके बाद यहाँ एक्सपेंशन लगाते हैं। ये जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो एक्स कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स टू द पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर डॉट 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 माइनस लॉग एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स क्यू बाई थ्री इस तरीके से एंड सो ऑन, और अपॉन में है एक्स स्क्वायर। सो लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो, अब सबसे पहले इसको इंटू कर लें इसमें, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स क्यू अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फोर फैक्टोरियल डॉट डॉट माइनस एक्स प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स पावर थ्री बाई थ्री इस तरह से अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो x कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स क्यू है यहाँ पे और यहाँ है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस टर्म को लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर बाई टू, और एक्स क्यू वाले दो टर्म दिख रहे हैं तो प्लस करके हम कंटेनिंग कंटेनिंग हायर पावर ऑफ एक्स। तो इसके बाद जितने भी टर्म हैं वो एक्स स्क्वायर से ज़्यादा पावर के एक्स के हैं, तो उनको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि अपॉन में हमारे पास केवल एक्स स्क्वायर है, तो उससे ज़्यादा वैल्यू लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल होगा और बाकी ज़ीरो हम रख लेंगे, तो हर जगह एक्स की वैल्यू है वो पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ वन अपॉन टू, यहीं से हमें आंसर मिलेगा वन बाई टू। तो हायर पावर थ्री हो या फाइव हो या सेवन सिक्स हो उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी से हमें आंसर मिल जाएगा। सो ये है इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, ये है लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो ए पावर एक्स माइनस बी पावर एक्स अपॉन एक्स। अब इसको देखते हैं ये किस फॉर्म में है। तो एक्सपेंशन मेथड के लिए एक्सपेंशन याद होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज एल हॉस्पिटल ही यूज करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो एल हॉस्पिटल से भी नहीं आएगा, एक्सपेंशन मेथड ही यूज करना पड़ता है। तो इसको चेक करेंगे पहले, ए पावर ज़ीरो वन, किसी का भी पावर ज़ीरो वन होता है, माइनस बी पावर ज़ीरो वन, सो वन माइनस वन इज़ ज़ीरो एंड दिस इज़ ज़ीरो, तो ये भी है ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म में। तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो ए पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए पावर एक्स लॉग ई ए माइनस बी पावर एक्स लॉग ई बी अपॉन वन, राइट।
अब यहाँ लिमिट हम रख सकते हैं, लिमिट रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए का पावर 0 मीन्स 1, सो लॉग ई ए माइनस लॉग ई बी, तो इसका पावर भी 1 ही हो जाएगा। इसको फिर लॉग एम बाई एन के मेथड से लिख लेंगे, लॉग ए बाई बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी आसान रहा, तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन इस पर कर सकते हैं। एक इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है लॉग अपॉन कॉट एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो लॉग एक्स अपॉन कॉट एक्स, लॉग एक्स अपॉन कॉट एक्स, इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये किस फॉर्म में होगा, लॉग एक्स लॉग ज़ीरो की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, या ठीक है, या माइनस इनफाइनाइट, एंड कॉट एक्स ज़ीरो इज ऑल्सो इनफाइनाइट, सो ये है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल, तो लगा देते हैं लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और कॉट एक्स को लिख सकते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर से ज़ीरो अप्लाई करते हैं, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो ये भी इनफाइनाइट होगा, तो फिर से इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, लिमिट एक्स टेन टू ज़ीरो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कोसेक एक्स को हम दो पार्ट में कर लेते हैं, कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, या फिर एक और तरीका है कि इसको हम थोड़ा चेंज कर लें, ज़ीरो बाई ज़ीरो हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लें, कोसेक स्क्वायर एक्स को ऊपर लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा एक्स ऐसा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, माइनस लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो, क्योंकि ये अभी भी ज़ीरो बाई ज़ीरो के फॉर्म में है, साइन ज़ीरो बाई ज़ीरो, सो ये हो जाएगा ज़ीरो बाई ज़ीरो। फिर से डेरिवेटिव करते हैं, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन वन, राइट। अब अगर हम ज़ीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी ज़ीरो, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह के कुछ और प्रॉब्लम होंगे बाद में, आगे हम करेंगे। नेक्स्ट जो फॉर्म है ये सारे अभी होंगे, ज़ीरो वन टू द पावर इनफाइनाइट या ज़ीरो टू द पावर इनफाइनाइट, ये सभी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आते हैं, और सभी पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और एकेडमी लेवल पर भी है ये। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।